वोटिंग के बीच बीजेपी नेता की हत्या, इलाके में मचा हड़कंप। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के लिए जारी वोटिंग के बीच हाथरस में भाजपा नेता की हत्या का मामला सामने आया है। हाथरस जिले की सिकंदरा राव विधानसभा में भाजपा नेता जिला महामंत्री कृष्णा यादव की गोली लगने से मौत हो गई है। युवा भाजपा नेता के गोली लगने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल भाजपा नेता को किसी ने गोली मारी है या खुदकुशी की है, इसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश जारी है। दरअसल हाथरस के सिकंदरा राव में भाजपा नेता कृष्णा यादव उनके अपने घर की दूसरी मंजिल पर गोली लगने से घायल हो गया। आनन फानन में परिजन उन्हें उपचार के लिए अलीगढ़ ले गए, जहां इलाज के दौरान भाजपा नेता की मौत हो गई है। पुलिस अभी मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार निवासी मोहल्ला कोशगंज थाना सिकंदरा राव के कोशगंज निवासी भाजपा नेता कृष्णा यादव रविवार की दोपहर अपने घर पर दूसरी मंजिल पर थे, तभी उन्हें गोली लगी। सिर में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली कैसे लगी इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। उधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई। मौत की जानकारी मिलने पर भाजपा नेताओं में शोक का माहौल है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी फेसबुक पर पोस्ट कर कृष्णा यादव के मौत की जानकारी दी और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस खबर को देख आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।